नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चकली। ये पारंपरिक अपनी चकली है। इसके लिए ये जो आटा मैंने लिया हुआ है, इसकी मैंने कोई स्पेशल रेसिपी नहीं बनाई है वीडियो में कि मैंने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिया हुआ है। जो भी सामग्री मैंने ली हुई है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी जो भी मैंने यहाँ पे इस आटे में लिया हुआ है। इसके लिए मैंने चावल लिया है, चने की दाल ली है, उड़द दाल ली है, मूंग दाल ली है, मसूर दाल मैंने ली हुई है, साबूदाना लिया है, और जो मसाले होते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और जीरा, इन सबको भून के मैंने इसमें डाला हुआ है, और सफेद तिल। तो अब हम आगे की रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे गैस चला रही हूँ, और मैंने ये जो गैस है, गैस मैंने जलाया है, और ये जो तेल आप देख सकते हैं, ये 3 चम्मच, ये जो चम्मच आप देख सकते हो, ये खाने के बड़े चम्मच है जिससे हम नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं। ये 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच करीब करीब मैंने यहाँ पे तेल लिया हुआ है। इसको हमें गरम करना है, और ये गरम तेल हमें इस आटे में डालना है। और एक बाजू में मैंने यहाँ पे पानी भी गरम करके रखा हुआ है। हमें ज़्यादा गरम पानी नहीं चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए। यहाँ पे तेल को अच्छे से गरम करना है, और इस तेल को हमें इस आटे में डालना है। देख सकते हैं कि तेल गरम हो चुका है, और अब मैं इसको इस आटे में डाल रही हूँ। हमें हाथ से इसको मिक्स नहीं करना है, पहले पहले चम्मच से मिक्स करना है, क्योंकि तेल गरम है, हाथ हमारा जल सकता है। आप देख सकते हैं कि जो तेल मैंने इस आटे में डाला हुआ था, इसको मैंने अच्छे से चम्मच से मिक्स किया है। अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और ये जो आटा है, ये करीब करीब आधे किलो तक का आटा है। इसमें मैंने 3 चम्मच, वापस मैं बता रही हूँ, 3 चम्मच मैंने तेल गरम करके डाला हुआ है। और ये पानी जो है, ये गुनगुना पानी है, ये 400 से 600 ml, मतलब 2 से 3 कप भरकर गुनगुना पानी है। और हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और हमें इसका आटा गूंद लेना है। और आटा ज्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है, और ना ही ज्यादा ढीला ढीला गूंदना है। मीडियम आटा गूंदना है। अभी इकट्ठा होने चालू हो गया है, और ये अच्छे से बंद रहा।
400 ml में से करीब करीब मेरे पास अभी 50 ml तक पानी बाकी बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ क्योंकि हमें इसको एक इकट्ठा करना है, उतना है, ज़्यादा इसको इसमें पानी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कि ये आटा मेरा रेडी हो चुका है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। और 10-15 मिनट हो चुके हैं, ये जो आटा मैंने गूंद के लिया था चकली का, ये अच्छे से सेट हो गया है। एक बार गूंद लेती हूँ अच्छे से। मुझे यहाँ पे कोई पानी की जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि ये ड्राई नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मशीन है चकली बनाने का, ये मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ा तेल लगा रही हूँ। और इसमें से थोड़ा आटा निकाल के से मसल के हमको इस मशीन में इसे डालना है। और इसकी चकलियां बनानी है। और ये जो बचा हुआ आटा है इसको हमें ढक के ही रखना है, नहीं तो ये सूख जाएगा। अब मैं इसकी चकली बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साइज में बड़ी चकलियाँ बनाई हैं। आपको जितनी साइज चाहिए आप उस हिसाब से चकली यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर आटे में आपका कोई भी मेजरमेंट गलत होता है तो उसमें आप थोड़ा सा आटा अगर आपके पास बचा है तो आप वो मिक्स कर सकते हो, या गेहूं का आटा भी उसमें आप मिक्स कर सकते हो। और चकली फ्राई कैसे हुई है, हमारी चकली पूरी तरह से फ्राई हुई है या नहीं हुई है, ये हमें कैसे पहचानना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चकली मैंने डाली हुई है फ्राई करने के लिए, वो भी कैसे यहाँ पे नीचे जाके बैठी हुई है ये कढ़ाई में, इसका मतलब ये चकली फ्राई हो गई है। और इसकी जो ऊपर आने वाले जो ये बबल्स है ये भी कम हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फ्राई करके अभी चकलियाँ रख दिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।